नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं महेतपुर की खबरों की ओर। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जी हां, उज्जैन के महेतपुर कैसरपुरा निवासी जाकिर साहब जब छत पर खेल रहे अपने बच्चे को बुलाने के लिए ऊपर पहुंचे तो ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन की लाइन ने बच्चे के पिता को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना का पता लगते ही लोग झुलसे। युवक को लेकर महेतपुर के शासकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां गंभीर अवस्था में युवक का उपचार कर उज्जैन रेफर किया गया। हालांकि पूरी घटना को लेकर कैसरपुरा के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। वहीं विद्युत विभाग और स्थानीय नगर पालिका को रहवासी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, इसके बावजूद ना तो विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने को तैयार है। महेतपुर से आबिद सांखला की रिपोर्ट। इनको करंट लगा था हाई टेंशन लाइन जी, तो तब तो अपन ने प्राथमिक उपचार किए, इनको ड्रिप वगैरह लगाना, इंजेक्शन लगाया है। मैंने तो बोला भी था कि एक बार उज्जैन जाके जांच वगैरह करवा लें, पर अटेंडर लोगों ने यहीं पे किया। उसकी हालत अभी है, स्थिर है, पर फिर भी ये चीज़ के बात करने पर मुझे पता चला कि छत पे से ही हाई टेंशन लाइन निकल रही है उसकी, जो कि बड़ी गंभीर चीज़ है। और उसने ऐसा बताया कि वो सिर्फ बच्चों को आवाज़ लगा रहा था और इतने में खिंचा गया। और इस तरीके से कोई बच्चा खेल रहा हो, अब ये तो इंसान का बड़ा युवक था तो ये इतना टेंशन झेल भी गया करंट का, अगर बच्चा रहता तो इतने में निपट सकता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा भी है कि आप इस चीज़ पे जो नगर पालिका है उनको बताइए, एक्शन लेना चाहिए अटेंडर को। बाकी युवक की स्थिति अभी स्थिर है, अच्छा है वो, और अपन उपचार अभी यहीं पर कर सकते हैं।